अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, खैरियत से है। मैं मोहम्मद नदीम, आप देख रहे हो नदीम इस्लामिक व्लॉग सऊदीया वाला। तो आज आपको रोड भी दिखाता हूँ और यहाँ के बिल्डिंग भी दिखाता हूँ, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग। और माशाल्लाह आज बादल बने हुए हैं सऊदी अरब रियाद में, तो आपको दिखाता हूँ, चलो चलते हैं। ये अभी मैंने यूटर ले लिया, तो अभी आपको दिखा ये देखो, माशाल्लाह से आज धूप भी निकली है और बादल भी बने हुए हैं माशाल्लाह। ये देखो माशाल्लाह कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है। इंशाल्लाह कल आपको दिखाएंगे हमारे कफील का भी माशाल्लाह बिल्डिंग बन रहा है, ऐसे वाला ही जैसे ये बना हुआ है, कल वहां आपको दिखाऊंगा। देखो व्यू देखो कैसा माशाल्लाह। ये यहाँ का रोड है, ये तो अभी मैं सिटी के अंदर हूँ, अभी बड़े रोड नहीं दिखाया आपको। बड़ा रोड देखोगे तो बोलोगे वाकई यार रोड बना हुआ है बहुत प्यारा। तो आज दोस्तों जुमा था तो टाइम नहीं मिला व्लॉग बनाने का, तो अभी मैं कस्टमर को छोड़ के आया हूँ, तो मैंने कहा यार चलो व्लॉग बना दूँ। कितने दिन हो गए वीडियो नहीं डाला, पता हो गया पूरा, पिछले जुमे को डाला था, तो मैंने कहा चलो यार भाइयों को दिखाता हूँ, अपने व्यूवर्स को यहाँ का माहौल सऊदी अरब का, रोड दिखाता हूँ, बिल्डिंग दिखाता हूँ। तो दोस्तों जुमे का दिन है माशाल्लाह, तो ऐसे तो सब दिन जो होते हैं किस्मत वाले होते हैं, बरकत वाले होते हैं, तो सब भाई जाना 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो यार, कुरान पाक पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो। तो नमाज पढ़ने से, कुरान पाक पढ़ने से जो ना बहुत स्वाब होता है, घर पे रोजी आती है, सब कुछ होता है, ठीक है। नमाज तो आपको पता है कि जन्नत की कुंजी है भाई, तो नमाज के बगैर तो बेड़ा पार नहीं निकलता, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो है नमाज पढ़ा करो, कुरान पाक पढ़ा करो, अल्लाह पाक हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक दे। तो मुस्कुराते रहो, खुश रहो। तो अभी आपको दिखा देखो, अभी आगे जो ना रोड आने वाला दूसरा कैमरे लगे हुए वहां पे, तो मैं बंद कर दूंगा उसके बाद फिर दिखाऊंगा आपको, ठीक है। आगे इशारा आने वाला, तो वहां से मैंने लेफ्ट जाना। तो दोस्तों ये अभी जो ना जा रहा हूं मैं अपने रूम की तरफ, ये राइट मार लिया यहाँ पे। देखो यार यहाँ पे माशाल्लाह में मस्जिद है माशाल्लाह बहुत, एक ये बनी है देखो, वो आगे माशाल्लाह दिख रही है, मीनार नजर आ रहा है आप लोगों को। तो दोस्तों जो कुरान पाक के हाफज है, जो कुरान पाक नहीं पढ़ते, तो जिन लोगों ने कुरान पाक पढ़ना छोड़ दिया है, तो उनका अंजाम क्या होने वाला है आप लोगों को पता ही नहीं है। तो सब भाई मेरे कुरान पाक पढ़ा करो, कुरान पाक की तलावत किया करो, नमाज पढ़ा करो। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा एक शख्स का सर पत्थर से कुचला जा रहा था, पूछने पर बताया गया ये वो शख्स है, ये वो हाफ़िज़े कुरान है जिसने कुरान पाक छोड़ दिया और जो फर्ज नमाज पढ़े बगैर सो जाता था। तो गाइस जो मेरे चैनल पे नए हैं व्यूवर्स,
तो जल्दी से लाइक कर दो, लाल बटन को प्रेस कर दो और घंटी के बटन को दबा दो। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।